कैसा क्या काटता है जी, कहाँ पे काटता है? फोन में काटता है। ललितपुर जिला के मेहरौनी तहसील में इन दिनों एक कार्य मौके बंदरा को आतंक है, और ये बंदरा की खासियत कहें या फिर कमजोरी कहें या फिर बंदरा की आदत कहें कि जो लोगन को ऐसी जगह काटत के आदमी को उसके बाद के दिना तक सुकून से बैठ भी तक में नहीं मिलत है। काय के जो बंदरा केवल लोगन के पिछवाड़े में ही काटत है। पिछले एक हफ्ता में जो करिया मौको बंदरा 8 लोगन को घायल कर चुके हैं, जिनमें बच्चा भी शामिल हैं, और कई लोगन को तो अस्पताल जाने पर रहो है, और गांव के प्रधान से बातचीत करी है सूर्यकांत त्रिपाठी ने, और गांव के प्रधान जी जो SDM साहब के सामने गुहार लगावे आए थे कि ये बंदरा से गांव वालन को बचाओ, उनने का पूरा दर्द बयां करे है, जरा आप गौर से सुनो। समस्या जो है कि बंदर से बहुत परेशान है, सारा गांव परेशान है। क्यों, सारे बंदरों से परेशान है या कोई मतलब बंदर विशेष है? विशेष बंदर से परेशान है। हाँ, कौन बंदर है वो? काले मौका है। क्या कर रहा है वो? वो में अकेला बच्चा देखो, उसने सीधे तो उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया? कितने लोगों को अभी तक काट चुका है? 8 लोगों को काट। क्या स्थिति है उन लोगों की जिनको काटा है? कोई झांसी है, कोई ललितपुर है, स्थिति तो मतलब भय का माहौल है। तो अब आज क्या किया है? SDM को बताया? SDM बताया, SDM ने बुलाया, एप्लीकेशन लिख के दो। कब से है ये बंदर का आतंक? आतंक है इसको 8 दिन से चल रहा है। 8 दिन हो गए हैं? 8 दिन में 8 लोग घायल हो गए हैं। 8 लोग घायल, शाम को घायल, आज शाम को। क्या करता है, क्या तो तुम लोगों ने देखा है, कैसे क्या आता है, मतलब हरकतें क्या है उस बंदर की? हमने ये बताते हैं कि वो ये रोड पे आ जाता है, तो बच्चे खड़े हो सीधे उन्हें भाड़ी में। अच्छा, कितने बंदर हैं गांव में? गांव में है कम से कम 1,500। 1,500 बंदर, तो उसमें से इसकी पहचान कैसे होगी गए? ये है शैतान बंदर, का है बाकी लाल मौके है, बाकी लाल मौके बहुत खराब है, इसलिए हम जा कहते हैं कि जो भगा जाए। अच्छा, इसको पकड़ा जाए। कैसा क्या काटता है जी, कहाँ पे काटता है? फोन में काटता है। केवल फोन में काटता है और कहीं नहीं काटता है? और कहीं नहीं काटता।